शुभकामनाएं और बधाई आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना हम बाबा गुरु घासीदास जी से करते हैं। मैं आदरणीय डहरिया जी से कई बार मिलते रहा हूं और इनके बारे में ज्यादा कुछ ना बोलते हुए बस एक ही बात कहूंगा और आमंत्रित करूंगा सीधे कि सब कहते हैं नुपुर सुंदर, लेकिन नुपुर से झंझकार सुंदर। सब कहते हैं नुपुर सुंदर, लेकिन नुपुर से झंझकार सुंदर। सब कहते हैं डहरिया जी आप सुंदर, लेकिन आपसे आपका व्यवहार सुंदर, आपका व्यवहार सुंदर। आपसे हमें हमेशा अच्छा व्यवहार मिलता रहा है। मैं इन शब्दों के साथ आमंत्रित करूंगा आदरणीय शिव डहरिया जी। माइक बोले गुरु घासीदास बाबा की, अमर टापू धाम की। आज के हमारे प्रातःस्मरणीय पूज्य वंदनी बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के अवसर पे उपस्थित हमर नेता, हमर सियान छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, हमर कार्यक्रम के अध्यक्षता करते गुरु गोसाई आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, हमर पीएचई के मंत्री है, हमर आदरणीय भाई थानेश्वर साहू जी, भाई अटल श्रीवास्तव जी, हमर जिला पंचायत के अध्यक्ष लेखनी सोनू चंद्राकर जी, दूसरा अध्यक्ष भी आए, हमर बिलासपुर वाले आदरणीय भाई चौहान जी, हमर पुराना विधायक भाई चुरावन मंगेशकर जी, चंद्रभान बारमते जी, हमर पार्टी के प्रभारी महासचिव सीमा वर्मा जी, भाई राकेश पात्रे जी, हमर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सागर सिंह बैल जी, दूसरा अध्यक्ष जी भी आए, हमर आदरणीय भाई नायक जी, भाई संजीत बनर्जी जी, पूर्व विधायक भाई सियाराम कौशिक जी, और भाटापारा के हमारे पूर्व विधायक भी आए, भाई चैतराम साहू जी, भाई सोनू चंद्राकर जी, उमाकांत बंजारे जी, गणेश चेलकर जी, भाई लोकराम साहू जी, जिला पंचायत सदस्य अम्बालिका साहू जी, पंडित सुरेंद्र पाल जी, भाई अभय नारायण जी, संजय जायसवाल जी, हमर पुराना अध्यक्ष भाई राजेंद्र शुक्ला जी, नाम ले तो बहुत टाइम लागी और अच्छा आयोजन करते। ये साल 25वां साल है जयंती मनाते बाबा गुरु घासीदास जी के, जिमा बाबा गुरु अमरदास जी के सेवा करत आते 25 साल हो गए। भाई दुर्गा बघेल जी मंच में बैठे, हमारे सबो साथी मन दोनों तरफ बैठे है, हमार माता बहनी मन और हमार प्रमुख सियान मन, और ये क्षेत्र के बहुत सारे गांव से आए हमार दाई दीदी बहनी मन, युवा साथी मन, और बढ़िया पंथी पार्टी के गाना सुनात रही से सबो कलाकार मन, हमार सम्मानित अधिकारी मन और पत्रकार भाई मन। निश्चित रूप से बाबा गुरु घासीदास जी ला मन याद करथन, और आप जाना तो हमर माननीय मुख्यमंत्री जी है बाबा गुरु घासीदास जी के रास्ता आगे बढ़ाए के हमेशा काम करते। चुनाव के पहले हमर माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां आ रही से, हमर प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया जी भी आ रही से, हमर सबो नेता आके यहां बाबा अमरदास जी के, बाबा गुरु घासीदास जी के कार्यक्रम आगे बढ़ाए में हमेशा सहयोग करते। चुनाव के समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी अध्यक्ष रही से, वो घोषणा कर रही से 36 वादा हम छत्तीसगढ़ पर कर रही से, और छत्तीसगढ़ में 36 वादा कर रही से, वो मैं 24 वादा पूरा हो गए, बड़े बड़े वादा पूरा हुए है। चुनाव के पहली नारा लगाया किसान के कर्जा माफ और बिजली के बिल का, बिजली के बिल आप दोनों हो, अमन किसान में कोई भेदभाव नहीं करें, सबो किसान के कर्जा माफ हो, छोटे हो बड़े हो, चाहे 1 लाख के कर्जा रहा है चाहे 20 लाख के कर्जा रहा है,
सबो कर्जा माफ करेगी और केसीसी के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंक से कर्जा ले रही वो कर्जा माफ हो और 400 यूनिट तक बिजली के बिल भी माफ करेगी। आप जाना तो 85% हमारे छत्तीसगढ़ के जनता औसत 400 यूनिट बिजली का उपयोग करते और 15% बड़े बड़े कल कारखाना वाला हरे चार चार पांच पांच तो एसी चलाते तैसन भाई मना रहे एकर मल्ला छोड़ के सबो के बिजली बिल हाफ करेगी। हमर प्रदेश के 85% जनता ला बिजली बिल हाफ के लाभ मिला थे तो ताली बजा में जी मुख्यमंत्री भाई और पूरा देश में 2500 रुपया को धान के कीमत मिला थे तो हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिला थे और सिंचाई के टैक्स भी माफ करेगी और बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के गांव गरीब किसान के जो विकास होते आप देखा तो 20 साल हो गए छत्तीसगढ़ ला बने 15 साल के सरकार के बारे में अब सब जाना तो भ्रष्टाचार कुशासन के अलावा कुछ नहीं रही थे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के विकास के बात नहीं होते रही थे ओकर मंत्री मन के ओकर विधायक मन के ही विकास होते रही थे लेकिन जब से हमारे छत्तीसगढ़ वाई भूपेश बघेल जी के सरकार बने पूरा छत्तीसगढ़ के विकास के काम होते सबो तरफ विकास की किरण दिखत है और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री है कि जो उन काम लग ठान लेते वो काम लग करके रखते और पूरा हिंदुस्तान में माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे काम करने वाले मुख्यमंत्री जी ला दूसरा स्थान मिले है पूरा देश में। हमन चाहतन के अगले साल एक नंबर में आए तो कल हम सब मिलके काम करेला लागी और बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में आप सब जाना तो प्रातः स्मरणी पूज्य वंदनी बाबा गुरु घासीदास जी ये समाज ले एक दिशा दे एक रास्ता बताए सतनाम के रास्ता दे और केरी से मन के एक समान एक पिता के सब संतान सब ला समानता के अधिकार दिलाए के काम और समाज में स्वाभिमान जगा के एक रास्ता बता रही से सब ला शिक्षा के माध्यम से रोजगार के माध्यम से आगे आए। बाबा गुरु घासीदास जी पढ़े लिखे नहीं रही से लेकिन वो सबसे बड़े ज्ञानी रही से पंडित रही से समाज के नब्ज ला समझत रही से लोगन के नब्ज ला समझत रही से और आगे बढ़ाए के लिए जो रास्ता बताया है दिशा दे हमन आज बाबा गुरु घासीदास जी ला याद करतन उला प्रणाम करतन वही काम ला बाबा गुरु घासीदास जी ये समाज में रह के जो उन काम करे रही से जब देश आजाद हो तो हमारे नेता महात्मा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सरदार पटेल जी वो समय के सब कांग्रेस के नेता मन वो समय के सबसे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर ला संविधान बनाए की जिम्मेदारी दी तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो संविधान बनाए है ओमा बाबा गुरु घासीदास जी के जतेक वाणी है विचार है ओला भी संविधान में शामिल करे है सब ला समानता के अधिकार सब ला शिक्षा के अधिकार सब ला रोजगार के अधिकार सब ला आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के अधिकार सब ला राजनीतिक क्षेत्र में आगे आके काम करे के जो अधिकार दे अवे यही बात बाबा गुरु घासीदास जी का है। इला हमर देश के नेता मन हमर कांग्रेस पार्टी के नेता मन बाबा अम्बेडकर जी इला संविधान में शामिल करे तो आप सब जाना तो कि बाबा गुरु घासीदास जी के काम ला आगे बढ़ाए के लिए हमारे कांग्रेस के नेता मन भी बाबा साहब अम्बेडकर जी भी संविधान में होकर वाणी और विचार ला समाहित करे और आज वही काम ला ये काम बाबा साहब बाबा गुरु घासीदास जी करत रही थे बाबा साहब अम्बेडकर जी करत रही थे वही अधिकार ला दिलाए के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में भाई भूपेश बघेल जी काम करे थे तो कर लिए भी एक बार ताली बजाओ। पिछले सरकार रही से जो अनुसूचित जाति के आरक्षण ला कम कर दे रही से 16% ला 12% कर दे रही से संविधान में व्यवस्था है कि जेकर जब का जनसंख्या रही आरक्षण की व्यवस्था उतके हुई। मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई मन के जनसंख्या 22% रही तो मध्य प्रदेश में 22% आरक्षण मिलत रही और अनुसूचित जाति के जनसंख्या मध्य प्रदेश के जनसंख्या के हिसाब से
16% रही से जेकर सती मध्य प्रदेश जब राज रही से तो हमारा 16% अनुसूचित जाति आरक्षण मिला थी। लेकिन जनसंख्या का आधार पे अभी छत्तीसगढ़ में सेंसस में जनगणना में हमर मन के जनसंख्या 13% है, 12.82%, मतलब 13%। वही आधार पे हमर भाई भूपेश बघेल जी हम अल्लाह 13% आरक्षण दे के नीति अपना है घोषणा करे और अब अधिसूचित भी करे और पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति मल्ला भी पहली 14% आरक्षण मिलत रही से ओला 27% करे के आदेश दे और जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति है जो गरीब मन हुए वो मल्ला भी 10% आरक्षण दे के व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करे। तो वो सबो समाज लेके चले के काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते वो हेड काउंट करे के आदेश दे हाई कोर्ट है तेकर से थोड़ा से काम रुके है लेकिन बहुत जल्दी वो आदेश हो जाए और प्रदेश में सामाजिक समरसता के जो काम भाई भूपेश बघेल जी करते यही काम ल तो बाबा गुरु घासीदास जी अपन समय में करतरी से बाबा साहब अम्बेडकर जी यही काम ल करतरी से वही काम ला आज बढ़ाए के काम वो रास्ता लागे बढ़ाए के काम भाई भूपेश बघेल जी करते। तो हम अल्लाह सब मिलके खासकर हमारे समाज ला पिछड़ा वर्ग के समाज ला और जो समाज के सर्वहारा वर्ग है गरीब वर्ग है ओला भाई भूपेश बघेल जी के हाथ ला मजबूत करना चाहिए ताकि हमारे प्रदेश आगे बढ़े हमारे प्रदेश के नाम पूरा देश में रोशन होए और जो जो योजना भाई भूपेश बघेल जी बनाए नरवा गरवा घुरवा वाड़ी छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी अवेला बचाना है संगवारी ये योजना के काम बहुत चलते और एकर चर्चा हमारे देश में नहीं हमारे प्रदेश में नहीं हमारे देश में नहीं पूरा विश्व में होते यूनाइटेड नेशन तक में एकर चर्चा हुआ थे। दूसर प्रदेश मन हमारे राज्य ल सीखे के कोशिश करते कि कैसे छत्तीसगढ़ में विकास के काम होते। तो हम सब मिलकर ऐसे मुख्यमंत्री ऐसे नेता जो हमारे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाए के काम करते उकर हाथ मजबूत करवो तो हम मजबूत हो वो हमारे छत्तीसगढ़ भी मजबूत हो और बाबा गुरु घासीदास जी के बाबा साहब अम्बेडकर के जो रास्ता है वो आगे बढ़ी। ऐसे मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ और आप सबसे निवेदन है एक बार ऐसे मुख्यमंत्री जी जो अच्छा काम करते उकले दोनों हाथ उठा के अपन समर्थन दे सबो से निवेदन करा था एसी वाला मन भी और पंथी वाला मन भी। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय छत्तीसगढ़ बोले गुरु घासीदास।